नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज। में हूं आपके साथ गौरी रानी। अतिक्रमण का शिकार कई बार बेगुनाहों को बड़ी खामियाजा देकर चुकाना पड़ता है। इस वक्त मैं रातू ब्लॉक में हूं, नावा सोसो एरिया है, और यहां पे कई लोग जो है वो पिछले 10 सालों से अपने घर को बनाकर सरकारी प्रक्रियाएं पूरी कर जमीन लिए हैं, घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन अब अचानक से प्रशासन आता है और उन्हें घर को खाली करने का आदेश देते हैं ताकि वो यहाँ पर अतिक्रमण कर सकें। इस वक्त हमारे साथ दीपक जी हैं, हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं क्या पूरा मामला है, बताएं। मैडम, आपका चैनल के माध्यम से मैं आपको कुछ जानकारी देना चाह रहा हूँ कि पिछले हम लोग 10 वर्ष से रह रहे हैं और जो सरकार आज कहती है कि इस ज़मीन का कोई पेपर नहीं, आप लोग का ये पेपर को मान्यता नहीं है, आप गलत ज़मीन खरीद लिए हैं, तो हम इस चैनल के माध्यम से उस पदाधिकारी लोग को बताना चाहते हैं कि आखिर ये जो हमारे पास जो दस्तावेज है वो सरकारी दस्तावेज है, जो ज़मीन को रजिस्ट्री किया वो मजिस्ट्रेट ही किया है, जो मोटेशन किया वो CO किए हैं, और CI जो पोजीशन पे आके वो सर्टिफिकेट जो हमारा रसीद निर्गत करते हैं वो सबको दिए, परमिशन दिए हैं, तभी आज हम घर बना के पिछले 10 वर्ष से रह रहे हैं। और हमारा ये शिकायत है कि वो CO साहब से जो आके नापी कहीं कुछ करते हैं, खाता नंबर कुछ डालते हैं, प्लॉट नंबर कुछ डालते हैं, जो उनको कुछ मालूम नहीं भी है, और नापी कहीं कुछ और करवा रहे हैं और बताते कुछ हैं। तो 2016 भी अतिक्रमण के लिए आया था, मगर पेपर दिखाने के बाद वो बोला गया कि ये पेपर सही है और आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस घर को। उसके मतलब इससे पहले भी एक बार आ चुके थे। हाँ, ये प्लॉट नहीं टूटा है, 499 मोजा 499 प्लॉट जो है वो नहीं टूटा था। बाकी मैडम आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत हम लोग को स्थिति खराब है, जितने लोग यहाँ पे 25 लोग को घर की बात है, यहाँ पे सबकी स्थिति खराब है। एक तो लॉकडाउन से उभर नहीं पाए हैं जनता और परेशानी किया जा रहा है हम लोग को, और देखिए हम लोग को सारा पेपर है, करेक्शन स्लिप है, मोटेशन है, सब कुछ है, और सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि इस पेपर को बारीकी से जांच किया जाए और अथा स्थिति बनाए रहे, क्योंकि हमारा सारा कुछ सरकारी दस्तावेज है। देखिए, नावा सोसो का ये एरिया है जो कि रातू ब्लॉक में है और यहाँ पे लगभग 25 घर हैं, 25 परिवार हैं जो रह रहे हैं, और यहाँ पे प्रशासन द्वारा जबरन इन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। अतिक्रमण इस पूरे एरिया को किया जाएगा। इस बार आप फिर से देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पे पुल बना हुआ है जो कि काके पुल भी इसे कहा जाता है, काके डैम है बगल में, और ये पूरा एरिया जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से अभी देख रहे हैं, ये सभी जो है वो CO का कहना है कि ये सभी अतिक्रमण होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सरकारी की जमीन है। ये सरकारी जमीन है और इसीलिए यहाँ पे अतिक्रमण किया जाएगा। लेकिन कई और भी लोग हैं जो कि बहुत सालों से यहाँ पर घर बनाकर हैं। हमने 2010 में जमीन लिया, उस समय उस ब्लॉक ऑफिस और सब जगह हम लोगों ने इंक्वायरी किया, उस जो की जमीन है ठीक है, सब जगह जमीन करने के बाद में हम लोगों ने जमीन लिया, जमीन हम लोगों ने लिया, जो भी हमारे पास पैसा था इधर से उधर से करके लिया। जमीन लेने के बाद में रसीद वगैरह भी कटा, सब कुछ हम लोगों के पास है कागज, और आज जो सरकार बोल रही है कि नहीं वो सब कुछ भी नहीं है, अनवैलिड नहीं है, तो बोलिए हम म्यूटेशन होने के बाद ही तो हम कन्फर्म हुए, तभी तो जमीन हमने लिया। तो हमारा तो हम तो सरकार के रिकॉर्ड से देख के ही लिया हमने जमीन। सरकार के रिकॉर्ड से देख के आप लोगों ने लिया, लेकिन अचानक से फिर आकर सरकार आप लोगों को हटने को कह रही है, तो अब क्या करेंगे आप? अब हम लोग अब बोलिए कि हम लोगों ने सब कुछ तो जमा पूंजी लगा दिया, आज अगर हम लोग निकलते हैं तो हम लोग सुसाइड छोड़ के और कोई उपाय नहीं, हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ पूंजी तो हम लोगों ने लगा दिया है और उसको घर उसी में रह रहे हैं, आज अगर हम हटते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? तो कम से कम हमारे रिकॉर्ड जो चीज है पक्का देख के सरकार उसके बारे में विचार। ये जो आप लोगों ने पेपर अभी जमीन का पकड़ा हुआ है, इसे लेकर किसी पदाधिकारी के पास गए ताकि CO के पास? CO जब हमको नोटिस निर्गत किए उसके जवाब में हमने CO को जवाब दाखिल किया, उसके बाद हम SDM साहब के यहाँ जवाब दाखिल किए हैं, DC साहब के यहाँ जवाब दाखिल किए हैं, और यही सरकारी तंत्र के हिसाब से हम लोग जमीन खरीदे हैं, रजिस्ट्री हुआ, मोटेशन हुआ, आज तक का 2021 तक का राजस्व रसीद हम लोग दे रहे हैं, और यही सरकारी तंत्र 10 साल बाद कह रही है कि यह जमीन गलत है। तो कहीं ना कहीं सरकारी भूल का
नतीजा आम जनता भुगत रही है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करते हैं कि इस मामले में संज्ञान ले और गरीब जनता के ऊपर हो रहे जुर्म के ऊपर अपना एक यथास्थिति बनाए रखे, जब तक कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा किसी तरह का ठोस निर्णय नहीं आ जाता है। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के शरण में भी है, वहाँ भी हम लोगों ने रिट याचिका दायर कर रखा है। हम जिला प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही गुजारिश करते हैं कि जब तक माननीय उच्च न्यायालय का किसी तरह का डिसीजन नहीं आ जाता है तब तक यथास्थिति बनाए रखे। हम लोग तो एक दिन में घर बनाते नहीं है, रुपया दो पैसा किसी तरह अपना पेट को काटते हैं तब जाके घर बनाते हैं, और उसके बाद साल दो साल लगता है तब हम दो रूम एक रूम खड़ा करते हैं। तब तक प्रशासन हमारा कौन दुनिया में सोई हुई थी, इस दुनिया में थी ही नहीं लगता, तब क्यों नहीं प्रशासन आया कि आपका अतिक्रमण है। आज प्रशासन आता है घर बनाने के बाद कि आप घर तोड़िए, खाली कीजिए घर को। क्यों खाली करें, क्यों खाली करें, हमें रहने का जगह दीजिए। आज आप जागे हैं, हम घर बना रहे थे तब कौन दुनिया में आप सो रहे थे। खाली करने क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों को? हाँ, दो दिन का समय है, खाली कीजिए घर को। पैसा मिलने की बात भी कही है? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो हम ऐसे तो नहीं आए, हम लोग भी पेपर मिला था, हम लोग को भी पेपर है। तो उस दिन आप कहाँ सोए हुए थे, हम घर बना रहे थे, तो एक दिन में तो घर नहीं बन जाता है। एक दीवार आज खड़ा करेंगे पैसा खत्म हो गया, फिर छह महीना पैसा इकट्ठा करेंगे तब छह महीना बाद हम घर खड़ा करते हैं, तब तक कहाँ हमारा प्रशासन सोई हुई रहती है। दो चार कट्ठा गांव में एक जमीन है, सब बेच बाज के सब यहाँ आ गए हैं और ले लिए हैं। तखने जखन खरीद के यार यहाँ जब जमीन खरीद रहे थे तखने उद्घाटन किए जमीन को, तखने उस समय करता विरोध करता तो हम लोग उतना हम लोग जुलूम नहीं करते, जुलूम नहीं करते, बात जबरदस्ती नहीं करते। 2016 में जो अतिक्रमण हुआ अगल बगल में हुआ, यहाँ कागज देखते हुए कुछ नहीं किए। अगर यही चीज देख के अगर आप नगर निगम ने होता तो बाउंड्री मार देते, बा जबरन नहीं हम लोग चढ़ाई करते, दलाल ने नहीं पड़ता। अगर ये जो बाउंड्री मारा हुआ किसी हालत से नहीं मने कोई आदमी हम लोग नहीं चढ़ पाते, यही हमको कहना है। और जो हम नहीं छोड़ेंगे, हम कुछ भी होगा प्राण निकल जाएगा, लेकिन हम यहाँ घर से हम बाहर नहीं होंगे, हमारा यही कहना। तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो रैयत है जो यहाँ पिछले कई सालों से रह रहे हैं, साफ तौर पे इनका कहना है कि सभी जामा पूंजी लगा कर ही अपना घर को बनाए हैं और इस तरीके से टूटते हुए नहीं देख सकते हैं। अगर सरकार ऐसा करती तो फिर ये लोग आत्महत्या करने को विवश होंगे, तो सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे।